तो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका राउंड अबाउट। आप राउंड अबाउट के आसपास कार चलाते हो, कार चला रहे हो, कार घुमा रहे हो, तो कार की तो बेंडिंग नहीं हुई ना, कार तो सिंपल चार पहियों पे घूम रही है। तो फिर इस केस में अगर कार सिंपल सर्कल में घूम रही है, तो कौन, देखो सर्कल में घूमने के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट तो है ही है, जिसका नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। उसके बिना सर्कल में घूम नहीं सकती, तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स तो है ही। पर यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या मैंने कार पर रस्सी डाली उसको घुमाया? हाँ, अगर घुमाया बोलते सर आपने घुमाई है कार, कि आपकी रस्सी की जो टेंशन है वो सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रही है। नहीं, ऐसा तो है नहीं। क्या मैंने कार को उठाया? मैंने टच ही नहीं किया। फिर कार कैसे घूम गई? कार ऐसे घूमी, जब कार सर्कल में घूमती है, एक लेवल रोड्स ऐसी नॉर्मल सड़क है, तो वो सेंटर, और यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बिना फ्रिक्शन के नहीं घूम पाएगी। सोचो अगर बिना फ्रिक्शन के, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, कार कहाँ आके गिरेगी? राउंड अबाउट के ऊपर या उससे दूर? दूर जाएगी या सेंटर की तरफ आएगी? गिरेगी, दूर जाएगी। अच्छा, कार रेसिंग अगर देखी हो, अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ट्रैक पे यहाँ नहीं गिरती, वो ऑडियंस की तरफ, वो टायर रखे होते हैं, बाहर जाके गिरती है हमेशा, ऐसे होता है ना। तो हर वक्त कार कहाँ गिरने की कोशिश कर रही है? बाहर। पर वो गिरती नहीं है, कार तो अच्छी वाली घूमती है। क्यों? क्योंकि क्या प्रोवाइड हुई हुई है उसे? फ्रिक्शन। इसका मतलब कोई तो एक फोर्स है जो प्रॉपर सेंटर की तरफ लग रही है, जिससे कि कार आराम से अपने डायरेक्शन क्या कर पा रही है? चेंज। और फोर्स एक ही दिखाई दे रही है, कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर्स में कहां कर रही है? टुवर्ड्स सेंटर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है इन कार्स के टायर को सेंट्रिपेटल फोर्स। समझ में आ रहा है यहां तक? और अगर ये फोर्स ना हो, कार ट्रैक पे नहीं गिरेगी, कार ट्रैक से आउट हो जाएगी, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर ये कार है तो इसका टोटल नॉर्मल रिएक्शन आर है और वेट एम जी है। इसे थोड़ा और क्लियर कर लिया, इसने का लेफ्ट और राइट पोर्शन का वेट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बंदा भी बैठा है यहाँ पे, देखो इसका वेट भी काउंट करो, इसका यहाँ नहीं बैठा। तो कहता है जी यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आर वन है या नॉर्मल रिएक्शन आर टू है, लेकिन टोटल कार का नॉर्मल रिएक्शन आर वन प्लस आर टू है, और वेट क्या है इसका? एम जी। कार का रेडियस इसमें आर है, राइट? तो अब इस केस में यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? एफ वन इक्वल टू म्यू टाइम्स आर वन, और यहां पर कितनी है? F2 इक्वल टू म्यू टाइम्स आर टू, और आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है? एम जी। अब इस केस में टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? एफ वन प्लस एफ टू म्यू इंटू आर वन प्लस आर टू, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई। तो टोटल जो फ्रिक्शन है वो कहां कर रही है? टुवर्ड सेंटर। और यही फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर जो एक्ट कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है बॉडी को? सेंट्रिपेटल फोर्स। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स आर वन प्लस आर टू, और ये फोर्स ग्रेटर या इक्वल टू, इक्वल टू तो कम से कम, लेकिन बड़ी हो तो और भी अच्छी बात है, होनी चाहिए किससे? सेंट्रीपेटल से। आप इक्वल टू कर दो तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रही है बॉडी को? सेंट्रीपेटल। तो इक्वेट कर दिया, लेकिन आर वन आर टू किसके इक्वल है? एम जी। एम सी एम कैंसल, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स आर जी, अंडर रूट लेंगे तो वी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू टाइम्स आर जी। अब v लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स आर जी, तो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। देखो ना, मेरे नंबर मैथ में 33 से लेस देन इक्वल टू है, तो मेरे मैक्सिमम नंबर क्या होंगे? 33। सेम वही चीज है, तो इक्वल टू करोगे तो v मैक्स आ गया। फॉर्मूला नोट करो अपनी नोटबुक में, हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ये हेडिंग हो गई। और फॉर्मूला क्या हो गया इसका? फॉर्मूला हो गया वी मैक्स का, कि अगर कार को सर्कल में घुमाना है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी घूमने की किस पे डिपेंड करती है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। अगर म्यू बड़ा है तो कार तेज घूम पाएगी, म्यू कम है कार स्लो घूम पाएगी, म्यू है ही नहीं तो कार वेलोसिटी जीरो घूम ही नहीं पाएगी। तो क्लियर है यहां तक? तो अगर आपकी स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से बढ़ गई तो कार क्या करेगी? स्किड करेगी और जो है रोड से, ट्रैक से ऑफ हो जाएगी।